दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, यहाँ पर उद्गम स्थान है? तो दोस्तों, यह मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में स्थित है। वहाँ से सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यह तीनों नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, यह तीनों नदियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह जो दोनों तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में यह द्वीप स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक, क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके बाद अगला है, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? ठीक है, यानी कि खैबर दर्रा है जो वह किन दो देशों के बीच में पड़ता है? दोस्तों, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों के बीच में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिया है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, यह है कोशी नदी। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बिहार में पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा हर वर्ष तबाही मचाती है अपने बाढ़ के आने के कारण। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ठीक है, ये जरूर याद रखें आप, बिहार का शोक कोशी नदी और उड़ीसा का शोक है महानदी। ठीक है, इसके बाद अगला है, कौन सी नदी एंचुली डेल्टा नहीं बनाती? दोस्तों, यह महानदी है जो कि एंचुली डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों, यह रूस देश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? रूस देश में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नौवां, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो दोस्तों, वह है एर्नाकुलम है, राज्य शहर है जो कि कोचीन और सेम टू सेम है, यानी कि जुड़वा शहर है इसका। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दसवां, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, या फिर हिंदू देश कौन सा है? दोस्तों, वह विश्व का एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र में केवल और केवल हिंदू ही रहते हैं, या हिंदू निवास का राज्य और केवल यह हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों, यह है शिव समुद्र परियोजना। यह दोस्तों 1902 में कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में अविस्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर 1902 में शिव समुद्रम नाम की परियोजना स्थापित की गई। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? दूसरी है, रानीगंज से प्रारंभ किया गया। कहाँ से? रानीगंज से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है? दोस्तों, यह आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान मानी जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि जिसका नाम है कोटो पेप्सी, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस एक देश है जहाँ पर यह स्थित है। कौन? कोटो पेप्सी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशु का मांस उत्पादित किया जाता है? दोस्तों, विश्व में पंपास क्षेत्र में, यानी जो अर्जेंटीना के देश में पड़ता है, यहाँ पर सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, या कैसा दिखाई देगा, या आकाश कैसा दिखाई देगा? दोस्तों, यदि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं रहेगा तो हमारे लिए आसमान काला दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी पछीपाल डेल्टा का निर्माण करती है? दोस्तों यह नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, कौन सी? मिसिसिपी नदी कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो आपके लिए डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर दोस्तों यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि एक शाखा का नाम है सेरीकल्चर, जिसे रेशम उत्पाद की शाखा माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? दोस्तों यह केरल राज्य है, यहाँ पर सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला मंदिर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम है आरावली पर्वतमाला। कौन सी? आरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित? यहाँ पर तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? दोस्तों यह झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर बनी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, या फिर किस नदी पर है? दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह सर्वाधिक लाभकारी होती है, काली मिट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो सभी को मालूम है कि कौन, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है तो यह दोस्तों माउंट केटू है, जो कि भारत में स्थित है, ठीक है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों भारत में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, कहाँ पर? POK में यह स्थित है, जो कि भारत का एक कश्मीर का एक क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह तटबंध के नाम से जाना जाता है, जो नदियां बहती हैं चारों ओर वह बांध बन जाते हैं, उन बांधों को तटबंध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, ठीक है, कौन सा? जैसलमेर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जिला। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रभावित होती है? केवल केवल कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में ही प्रभावित होती है। वह जलधारा का नाम है सुसीमा धारा। कौन सी? सुसीमा धारा या जलधारा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्रह क्या कहलाता है? तो यह शीत वाताग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत वाताग्रह कहलाता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे YouTube चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ, और WhatsApp, Facebook, Twitter जो भी यूज़ करते हो शेयर करो, ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी GK करंट अफेयर सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है,
सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।